guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. Today I'm going to show you how to do cleanup with Patanjali aloe vera gel. So guys, cleanup हमारे skin के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा important होता है, क्योंकि इससे हमारे face के जितने भी dots हैं, जितने भी impurities हैं, वो सारी remove हो जाती है, वो सारी clean हो जाती है, जिससे हमारे face पे blackheads आने के chances, pimples होने के chances बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, in fact नहीं आते हैं. सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, आज के वीडियो में मैं यूज करूंगी ये पतंजलि का केसर चंदन एलोवेरा जेल. इसको आपको इस तरह से अपने हाथों पे लेना है और अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है. सो गाइज, मैंने इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है. अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करूँगी जब तक कि पतंजलि एलोवेरा जेल मेरे फेस पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक मुझे अपने फेस को मसाज करना है. आप अपने चिक को सर्कुलर मोशन में मसाज करो ताकि आपके जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो. सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से मसाज कर लिया है. मेरे फेस पे जितना भी पतंजलि एलोवेरा जेल था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है. मेरा फेस अच्छी तरह से, ये देख सकते हो, ड्राई हो चुका है मेरा फेस. तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए होगा ये गुलाब जल. मैंने डाबर गुलाबरी का गुलाब जल लिया है, तो इसकी मैं 2 से 3 ड्रॉप अपने हाथों पर लूँगी. इसके बाद इसको अपने हाथों पे मिक्स करके और अपने फेस पे इससे ऐसे अप्लाई करके और फिर से अपने फेस को मसाज करूँगी. ये प्रोसेस हमें 2 से 3 बार करना है.
सो गाइस, जब आप इस तरह से 2 से 3 बार इसको अच्छे से मसाज करोगे रोज़ वाटर के साथ, तो क्या होगा, आपके फेस का जितना भी डर्ट्स है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, वो बाहर निकलेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस को ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से भी आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर सकते हो। सो गाइज, अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ ताकि मेरे फेस की जितनी भी डर्ट्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो बाहर निकल जाए, वो रिमूव हो जाए। सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको टॉवल के हेल्प से अच्छे से वाइप कर लूँगी। सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लिया है टॉवल की हेल्प से, तो आप देख सकते हो मेरा फेस अभी कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्लीन अप करके। मेरे फेस की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, जितने भी डर्ट्स थे मेरे फेस पे, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। So guys, if you like this video, then give us a thumbs up and also subscribe to my channel for more such beauty videos from me. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Have a good day.